हिशाम इब्ने उत्बा और उनकी फौज को शाम से आने में देर हो रही है। हमने अपने लोगों को बड़ी उम्मीद दी है कि उनके साथ 6000 आदमी हैं और हम जंग के तीसरे दिन दुश्मनों से अल-कादिसिया में मिलने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों के दिल में कोई शक हो। मेरा ख्याल है कि आप चुपचाप अल-कादिसिया के पीछे चले जाएं और रात के इस पहर में दुश्मनों को पता भी ना चलेगा। और जब दिन का सूरज निकले तब आप एक के बाद एक 100-100 की तादाद में आए, जैसा कि हमने पहले किया था। अगर हिशाम आते हैं तो अच्छी खबर है, और अगर नहीं तो हम लोगों की उम्मीद बांध सकते हैं। आप सब बहुत बहादुरी से लड़े, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। सब्र रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। वो देखो, हिशाम इब्ने उत्बा का एक और लश्कर आ गया। अल्लाह का शुक्र है जिसने जंग होने से पहले ही आपको यहां भेज दिया। सिपाही तीसरे दिन के लिए अपनी जगह संभाल रहे हैं। बाकी फौज कहाँ है? वो भी आ रही है। मैंने उनको कुछ टुकड़ों में बांट दिया है ताकि हमारे बीच कुछ फासला रहे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही तरकीब है। मैं भी अपनी टुकड़ी के साथ यही करूंगा। चलो अब आगे बढ़ें। मुझे हाथियों के बारे में कुछ मालूमात करनी है। उन सिपाहियों को मेरे पास भेजो जो यहाँ से ताल्लुक रखते हो अभी। अलकाका और आशिम अपने कुछ घुड़सवारों के साथ उन हाथियों की तरफ आगाज करेंगे और बाकी लोग उनकी इताअत करेंगे। उनसे कहो कि हाथियों के मुंह और आंखों पर वार करें। आप लोग कहां से आ रहे हैं? नजद। क्या आप लोगों के पास इराक से कोई खबर है या अल-कादिसिया के लोगों की? हम लोग जहां भी गए हर कोई हमसे इस खबर के बारे में पूछ रहा है जैसा आपने पूछा, लेकिन जब हम नजद से निकले तो हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे मेरे भाई, उस खबर के लिए जिसके लिए आप इतने बेचैन हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतने दिन हो गए आपको सवारियों से लगातार पूछते हुए अब्बा जी, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। दोपहर का वक्त है और शदीद गर्मी है। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप घर जाकर उस खबर का इंतजार करें जो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएगी इंशाअल्लाह। जब साथ का कासिद आएगा तो आपको ज़रूर खबर देगा। मदीना से बाहर आकर खड़े रहने से खबर आने में जल्दी नहीं होगी। तुम वापस जाओ या अब्दुल्ला। जहाँ तक मेरी बात है, ना तो मैं चैन से बैठ सकता हूँ और ना ही चैन से सो सकता हूँ जब तक कि अल्लाह मेरे भाइयों की खबर मुझ तक नहीं पहुँचा देता। क्या तुमने अपने अब्बा और अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं सुना? अगर यहाँ रहे तो दो गलतियों की सज़ा मिलेगी। जाओ। क्या आप अकेले रहेंगे? मैं बस आपका साथ देना चाहता हूँ। जिसका साथ चाहिए वो है फतेह की खबर इंशाअल्लाह। भला तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अल-कादिसिया से। अरे जरा बताओ मुझे, क्या अल्लाह ने मुशरिकीन पर फतह दी? अल्लाह ने मुशरिकीनों को हरा दिया। हम पर 4 दिन बड़े शदीद गुजरे। हाथियों से जंग में हमें खासी परेशानी आई जब तक कि अल्लाह ने उनके खिलाफ हमें मदद न भेजी। उनके सिपह सालार का क्या? रुस्तम मार दिया गया जैसे बाकी सिपह सालार मार दिए गए। साथ ने उन लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जो भाग गए। अलकाका ने अपनी जमात के साथ उनका पीछा किया और अल फेरुजान को मार डाला जो उनका बड़ा अजीम सिपह सालार था। बस अल हरमोजान बचकर भाग गया। आठ 8,500 लोग मारे गए। क्या आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे? फौरन यहां से निकलने की तैयारी करो, हमें जाना होगा। अगर मेरे लिए सल्तनत में लड़ने के लिए कुछ भी बचा होता तो मैं जरूर लड़ता, मगर अब इस डूबती सल्तनत में मरने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या, मैं हम लोगों के बीच छिपकर जी रहा था इसलिए कि कोई मेरे खानदान और खुसरो के बीच रिश्ता न जान सके, ताकि खुसरो के रिश्तेदार मुझे न मार सके जैसे उन्होंने मेरे अब्बा को मारा था और एक दूसरे का कत्ल किया। अब जब इस सल्तनत में कुछ बाकी न रहा सिवाय मौत और बोझ के, तब वो मुझे यहाँ लाए और इस तख्त को मेरे हवाले कर दिया कि इस तख्त पर बैठने वाला मारा जाएगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और इस तखर में मुझे मारने की कोशिश की और अरबों के हाथों अल मदाइन में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। खुसरो का महल, सफेद महल, हमेशा अल्लाह का जिक्र करो और उसकी तारीफ करते रहो और अल्लाह के सामने एजाजी से पेश आना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जवानी में ही यहाँ से निकाल कर इस्लाम में दाखिल कर दिया। मैं इन सब चीज़ों को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जब तक मैं यहाँ उनमें से एक था। हम तो यहाँ शहजादों और हुक्मरानों के लिए ज़मीन पर मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी हमें भरपेट खाने को न मिलता, और हमारी भूख और गुर्बत सिर्फ इसी वजह से थी। जिन लोगों ने ये सामान भेजा है वो यकीनन काबिल एतबार है। आपने अपना दामन खयानत से बचाया है, इसलिए रिहाया नहीं भी। अगर आपने अपने लिए कुछ लिया होता तो रिहाया भी ऐसा ही करती। क्या आज भी आप रो रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, जबकि आज बड़ी खुशी का दिन है? वल्लाही मैं आप लोगों के सख्त हालात और सादा जिंदगी से नहीं डरता, लेकिन इन सब चीज़ों से डरता हूँ। जब ये दुनिया किसी माशरे को ये सब देती है, तब उस कौम के लोगों में हसद, नफरत और खुदगर्जगी पैदा हो जाती है, और वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगते हैं। सुराका इब्ने मलिक कहाँ है? मैंने उसे बुलाने के लिए भेजा था, वो आ गया। क्या बात है, तुम जानते हो ये सब क्या है? भला मुझ जैसा बद्दू क्या समझे ये सब क्या है? खुसरो का ताज, कपड़े, कंगन और कमरबंद हैं। जो वादा किया रसूलुल्लाह ने वो पूरा होने को है। और इन्हें पहनो। वापस जाओ। आगे आओ। ठीक है, ठीक है। मुदलिज कबीले के एक बद्दू ने किसरे का ताज, जूते, कमरबंद और तलवार पहनी है। वो भी दिन आएगा सुराका, जब खुसरो और उसके लोगों की पोशाक पहनने पर तुम्हें और तुम्हारे कबीले को इज्जत और शर्फ दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ अल्लाह का है वो बहुत बेहतर है। अब इन्हें उतारो। ये मेरे नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इन्हें पहनने का हक था, जैसा अल्लाह के नबी ने वादा किया, और बाकी चीज़ों की तरह ये सब मुसलमानों का है। जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है, हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा। उतारो। अल्लाह, ये सब तूने अपने नबी और रसूल को अता नहीं किया, जबकि आपके नज़दीक वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत वाले थे। ये सब तूने अबू बकर को अता नहीं किया, जबकि आपके नज़दीक वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत वाली थी। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ और इन चीज़ों से भी जो आपने हमें बख्शी है। क्या आप मस्जिद जा रहे हैं ये पहनकर? थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? इस तरह तो आप खुद को मार डालेंगे। मेरा मुआशरे के साथ ऐसा रिश्ता है जैसे एक बाप अपने बच्चे की फिक्र करता है। मुझे दिन रात उनकी देखभाल करनी है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। अल्लाह जानता है कि मैं रात में क्या करता हूँ और दिन में भी। जाओ और सो जाओ, अल्लाह रहम करे। ये रात कितनी लंबी हो चली है, अब तो ये तारे भी चलने लगे हैं और यहाँ मैं अपने खाविन के लिए बेचैन हूँ। नींद भी नहीं आती। जब वो मेरे पास होते थे तो उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था। अगर उस खुदा का खौफ ना होता तो ख्वाहिशों को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मुझे डर है कि जिसकी नज़र हम पर हमेशा रहती है वो हमारी ज़िंदगी के सारे अमाल लिखता है। अल्लाह रहम करे। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपने ख्वाबिन को याद करती हैं, लेकिन इनके अखलाक इनको गुनाह से रोकते हैं। अच्छे अखलाक वही हैं जो ख़ुद को जज्बातों से रोक सकें ताकि गुनाह ना हो। जिस किसी की ख्वाहिशात बाकी न रहें वो अच्छे अमाल का दावा नहीं कर सकता, जिस तरह कोई अपने ख्वाहिशात को रोके बगैर परहेजगारी का दावा नहीं कर सकता। क्या तुम इस घर की औरत को जानते हो असलम? जी, मैं इन्हें जानता हूँ। इनका शोहर साथ की फौज में है। तो फिर यह हमें पता लगाना होगा कि एक औरत अपने शोहर से कितने दिन दूरी बर्दाश्त कर सकती है। फिर हम अपने सिपाहियों को हुक्म देंगे कि अपने घर से ज़्यादा दिन दूर न रहें। अगर ज़्यादा दिनों के लिए बाहर हैं तो अपनी बीवियों को भी साथ ले जाएं। शौहर और बीवी के बराबर के हुकूक और फ़राइज़ हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मुल्क फारिस और शाम अता किया। यही सही वक्त है जानने का कि मुसलमानों के बीच माल कैसे तकसीम किया जाए, उस दस्तावेज़ के हिसाब से जो हम सब जानते हैं। हर किसी को अपने हक मालूम है। जो भी माल आता था अबू बकर ने लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया करते थे। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस्लाम में भला पहले कौन दाखिल हुआ और कौन बाद में। उन्हें यकीन था कि इस सिलसिले में अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो गफूर रहीम है। लेकिन मेरा नज़रिया अलहदा है। मैं उन्हें बराबर नहीं समझता जो रसूलुल्लाह के साथ लड़े और जो उनके खिलाफ लड़े। ना ही मैं फतेह मक्का के बाद वाले मुसलमानों को पहले वालों पर तरजीह देता हूँ। मेरी नज़र में पहले मुसलमानों की अहमियत ज़्यादा है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, जो किरदार निभाया इस्लाम के लिए, अपना खून बहाया इस्लाम के लिए। या अल्लाह, अगर मैं ज़िंदा रहा तो जबले सना पर भेड़े चराने वाले को भी इस माल से हिस्सा मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप वो करें जो आपको सही लगता है। अगर आपका या हमारा नज़रिया इससे मुख्तलिफ हुआ तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मेरा मानना है कि काफ़ी माल लोगों की मदद के लिए आ गया है और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है इंशाअल्लाह। जब सारे फारस पर हमें फतेह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक शाम की बात है, ये पूरी तरह मुसलमानों के कब्जे में, सिवाय बैतुल मक्दिस के। और मेरा यकीन है कि अल्लाह जल्दी ही हमें इस पर गालिब करेगा। और चूंकि अब लोगों की तादाद बढ़ चुकी है तो अब हमें इसका भी हिसाब रखना होगा कि किसको क्या दिया और किससे क्या लिया, वरना गफलत का सबब बन जाएगा। सही कहा। तो क्या राय है? बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम और फारस करते हैं, वजीफों और सिपाहियों के लिए हिसाब किताब करते हैं और उसके लिए किसी को मुकर्रर करते हैं जो इन सब का हिसाब और किताब रख सके, लोगों के अहदे और वजीफों के एतबार से। फिर हमें पता रहेगा कि हमने बैतुल माल से किसको क्या दिया, और ये भी कि किसको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, और ये भी कि ज़रूरत के वक्त बैतुल माल में क्या बाकी बचा है। वल्लाह ये बिल्कुल सही मशवरा है। इसी तरीके का इंतज़ाम हमें अपने खतूत और फरमान के लिए भी रखना चाहिए, और जो हमारे लिखे ख़तों को जमा भी कर सकें। हमने बहुत से उलेमा तैनात किए हैं, बहुत जल्द उनके साथ खतूत का सिलसिला बढ़ जाएगा। ज़मीन के जजिया के लिए भी ऐसा ही हिसाब। पहनने के लिए कुछ कपड़े और माल अमीरुल मोमिनीन की तरफ से खैर के लिए। और उन्होंने साथ को भी लिखा है कि आपके शौहर को छुट्टी दे दें। और तो और उन्होंने शादीशुदा सिपाहियों के लिए हुक्म जारी किया है कि वो 4 महीने से ज्यादा घर से दूर न रहें। कमाल है, उन्हें मेरे हाल की खबर कैसे हुई? ये बात सही नहीं है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जान लो कि जंग में माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, करीबी रिश्तेदार, यतीम और ज़रूरतमंदों के लिए है, और जो सफ़र में ज़रूरतमंद है। इराक़ और सीरिया की ज़मीन जो अल्लाह ने मुसलमानों को बख्शी है वह उनके लिए है जो हक़ के लिए वहाँ लड़े, और ये उनमें बराबर तकसीम की जाए, जो भी माल या जो भी ज़मीन है। नहीं, सही नज़रिया अमीरुल मोमिनीन का है। ज़मीन वैसी ही रहेगी, उसे सिपाहियों में तकसीम नहीं किया जाएगा। उससे जो जजिया मिलेगा वो सारे मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, मौजूदा और गैर मौजूदा। इस तरह ये उनमें तकसीम नहीं होगी जो पहले से ही मालदार हैं, और इस तरह हर एक मुसलमान को इस हिस्से से फ़ायदा पहुँचेगा। अगर हम अभी से लोगों में ज़मीन को तकसीम कर दें या मिल्कियत में दे दें, फिर उन मुसलमानों का क्या होगा जो बाद में आने वाले हैं? फिर बच्चों और बेवाओं के लिए उन इलाकों या शाम और इराक़ के दूसरे इलाकों में क्या बाकी रहेगा? सुभान अल्लाह। जो ज़मीन अल्लाह ने उसे फ़तेह करने वालों को दी है, आप चाहते हैं कि उसका फ़ायदा उन लोगों को पहुँचे जो वहाँ मौजूद ही ना थे, या वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उस कौम के बच्चे, या भला क्यों नहीं? क्या अल्लाह ने इस ज़माने के लोगों के लिए ही अपने रसूल को भेजा था? यह इस्लाम के सारे हकूक़ इस पीढ़ी के लोगों के लिए हैं। वल्लाह अल्लाह मुझसे सवाल करेगा उस बारे में जो मेरे बाद होगा। जो भी फैसला हम लेंगे वो उन लोगों के लिए नहीं जो आज हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो बाद में आएंगे। अपनी शैतानियत और गलत फैसलों के लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, हमारे मरने के बाद भी। वो बुरा अमीर है जो कहता है कि वो उन लोगों की देखभाल करेगा जो उसके मातहत हैं, और बाद वाले लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। हम आज सबके साथ मिलकर इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये इबारत मजबूत रहे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ना वल्लाह, मैं फतेह हुई ज़मीन को कुछ खास लोगों, दौलतमंदों या एक पीढ़ी में नहीं बांटूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ मिस्कीन हो जाएं। याद रहे जो अल्लाह फरमाता है, दौलत को सिर्फ दौलतमंदों में ही ना बांटो। यही वजह है। और हमारी सरहदें और शहरों का क्या, जिनकी हिफाजत के लिए फ़ौज की ज़रूरत है? उनके लिए पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा अगर हम ज़मीनों को बांट देंगे? सही कहा। मगर इससे भी ज़्यादा उन किसानों और काश्तकारों का क्या, इराक और सीरिया में? भला उनका क्या होगा कि अगर हमने उनसे ज़मीनें छीन कर अपने सिपाहियों को दे दी? ये तो फारस के महसूल वसूलने वालों से भी ज़्यादा सख्त होगा, और रोमियों से भी। क्या उन्होंने हमारी सल्तनत को कबूल नहीं किया? क्या उनकी जिम्मेदारियां हम पर नहीं है? क्या यह सच नहीं कि उन्होंने हमारी तरफ आकर हमारे इंतज़ाम को कबूल किया, ये जानकर कि इस्लाम एक सच्चा और मुकम्मल मज़हब है? बेहतर यही होगा कि हम उन्हें उनकी ज़मीनों के साथ छोड़ दें और इतना महसूल लें जो हमारी हिफाजत पर खर्च हो सके और आवाम की ज़रूरत पूरी हो सके। इस तरह वो इस्लाम की तरफ रुजू होंगे, और यही हमारा मकसद है। हम उन रूहानी हिदायतों को लोगों तक पहुँचाते हैं, लालच या पैसे के लिए नहीं। या अमीर अल-मोमिनीन, कारोबारियों का एक काफिला मदीना में आया है, तो आज रात उनकी हिफाजत के लिए आप मेरे साथ चलें। क्या तकलीफ है इस बच्चे को? क्यों ये लगातार रो रहा है? अल्लाह के वास्ते इसका ख्याल रखो। भला कैसी माँ हो तुम, जो इस छोटे बच्चे का ख्याल तक नहीं रख पा रही हो? ये बेचारा कब से रो रहा है। मैंने तुमसे कहा इसको चुप कराने के लिए, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रही हो। या अब्दुल्ला, मैं इससे दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहा। क्या उम्र है इस बच्चे की? ये 6 महीने का है। तो भला इतने जल्दी क्यों इसका दूध छुड़ाना चाहती हो? उमर उनको वजीफा देता है जो दूध छोड़ चुके हैं, पीने वालों को नहीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुमने क्या किया है उमर? सुनो, इसका दूध छुड़ाने की कोशिश ना करो। मैं जमानत देता हूँ कि उमर अपना फैसला बदल लेगा। लोगों, मैंने उन बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर किया जो दूध छोड़ चुके हैं, उनके लिए नहीं जो माँ का दूध पी रहे हैं। मैंने अपना फैसला बदल दिया है, तो अपने बच्चों को दूध छुड़ाने की जल्दी ना करना। ये वजीफा सभी के लिए है। हम इसकी रकम बढ़ा देंगे जैसे बच्चा बड़ा होता है, या उसकी ज़रूरत के हिसाब से। या असलम, पूरे मदीना में इसका मुनादरा करवा दो। तेरा बुरा हो उमर, कितने ही छोटे बच्चों को तूने मार डाला। ये ख़त अम्र इब्न लास ने भेजा है, जिन्होंने 4 महीने से बैतुल मक्दिस को घेरे रखा है, मगर दीवार की वजह से वो महफूज था। रूमी सिर्फ फैसलार जो इसकी हिफाजत करता था, मदद न मिलने के बाद वो मिस्र जा चुका है। उस शहर के लोगों और हुक्मरानों ने हमारे साथ मुआहदा करने की बात कही है, हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं खुद जाकर उस अमन के मुआहदे पर मोहर लगाऊं। आपकी क्या सलाह है? अगर हम मुआहदा ना करें तो भी वो इस हालत में नहीं कि शहर को बचा सकें, जबकि रोम की फौजें वहां से जा चुकी हैं। मेरा मानना है कि आप वहां ना जाएं। उन्हें जल्दी इल्म हो जाएगा कि आप उन्हें कोई आला मकाम नहीं अता करने वाले, बल्कि उनसे जंग के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही वो इसे कबूल करेंगे और अम्र के साथ मुआहदा कर लेंगे। मेरा मानना है कि आप वहां खुद जाएं और अमन का करारनामा करें, जैसी उन्होंने इल्तिजा की है। वो अमीरुल मोमिनीन के साथ अमन के करारनामे को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि मुतमईन हो जाएं कि उनकी हिफाजत और उनके चर्चों की हिफाजत और उनकी इबादत कायम रहे। इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि मुसलमान उनसे किए गए मुआहदे को तोड़ ना दें। आपको वहाँ जाना चाहिए। अल्लाह पर रहम करें। इनका खलीफा कौन है? आपका खैर मकदम है खलीफा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये तो बादशाह की तरह दिखते ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्म से उमर इब्न अल-खत्ताब करारनामे की शर्तें मंजूर करता हूँ बैतुल मक्दिस के लोगों के साथ। इन लोगों की पूरी हिफाजत और अमन का ख्याल रखा जाएगा। इनके माल, इनकी इबादतगाह और इनके सलीब, जो भी बीमार और सेहतमंद अपने दीन में यकीन रखते हैं, इनकी इबादतगाहों को न तोड़ा जाएगा, न कब्जे में लिया जाएगा, ना ही उसे बांटा जाएगा और ना ही इनके इलाकों को नेस्त नाबूद किया जाएगा, ना ही इनका कोई सलीब या माल इनसे दूर किया जाएगा। इनका दीन छोड़ने के लिए इनको मजबूर ना किया जाएगा, ना ही इनमें से किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं इस दस्तावेज़ के शर्तों की पाबंदी करता हूँ। हम इन्हें अल्लाह का वादा, रसूलुल्लाह की दिम्मा, खलीफा का दिम्मा और मुसलमानों का दिम्मा देते हैं।